नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। सी प्रोग्रामिंग की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हम एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि रेक्टेंगल को स्पेसिफाई करने में हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। चीज़ों को सरल रखने के लिए हम मान लेते हैं कि रेक्टेंगल वर्टिकली या हॉरिजेंटली ओरिएंटेड होगी और किसी भी हाल में वो किसी एंगल में ओरिएंटेड नहीं होगी। कुछ पॉसिबिलिटीज इस प्रकार हैं। हम रेक्टेंगल के सेंटर के दो कोऑर्डिनेट्स और उसके साइज यानी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या मैं एक कॉर्नर और साइज को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, या मैं दो अपोजिंग कॉर्नर्स को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इसमें से सबसे कॉमन चॉइस है रेक्टेंगल के अपर लेफ्ट कॉर्नर और उसके साइज को स्पेसिफाई करना। सी में ऐसा करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे जिसमें एक पॉइंट टी और दो डबल शामिल है। ध्यान दें कि एक स्ट्रक्चर में दूसरा हो सकता है। वास्तव में इस तरह की बात काफी आम है। बेशक इसका मतलब यह है कि एक रेक्टेंगल टी बनाने के लिए हमें एक पॉइंट टी बनाना होगा। यह कोड एक नया रेक्टेंगल ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। यह फिगर इस असाइनमेंट के प्रभाव को दर्शाती है। हम सामान्य तरीके से विड्थ और हाइट को एक्सेस कर सकते हैं। कॉर्नर के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम एक टेम्परेरी वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम दो स्टेटमेंट्स कंपोज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ने से ऐसा समझ में आता है, बॉक्स के कॉर्नर से एक्स को एक्सट्रैक्ट करें और इस लोकल वेरिएबल एक्स को असाइन करें। आप चाहें तो एक ही समय में पॉइंट और रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। इनर मोस्ट स्क्विली ब्रेसेस कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, साथ में वे तीनों में से पहली वैल्यूज दर्शाते हैं जो नए रेक्टेंगल में जाती है। यह स्टेटमेंट नेस्टेड स्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। आप स्ट्रक्चर रिटर्न करने वाले फंक्शन भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए फाइंड सेंटर में रेक्टेंगल पैरामीटर है और यह पॉइंटी फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें रेक्टेंगल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट के रूप में रेक्टेंगल टी को पास करना होगा। ध्यान दें कि पास बाय वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है और रिटर्न वैल्यू को एक पॉइंट टी वेरिएबल को असाइन करें। इस प्रोग्राम का आउटपुट है 50, 100। हम फंक्शन के रेफरेंस के रूप में स्ट्रक्चर को पास कर सकते थे। ऐसा करने पर फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। ध्यान दें कैसे हमें स्ट्रक्चर के मेंबर्स की एक्सिस को बदलना पड़ा, क्योंकि बॉक्स अब एक पॉइंटर है। हमें फाइंड सेंटर के लिए फंक्शन कॉल को भी बदलना होगा। केवल स्ट्रक्चर्स में ही पास बाय रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अन्य सभी टाइप्स जिन्हें हमने देखा है मैं भी ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दो इंटीजर्स को स्वैप करने के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। हम इस फंक्शन को सामान्य तरीके से कॉल करेंगे। इस प्रोग्राम के आउटपुट से पता चलता है कि वेरिएबल वैल्यू स्वैप हो चुकी है। आप इस प्रोग्राम के लिए एक स्टैक डायग्राम ड्रॉ करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यदि पैरामीटर एक्स और वाई को रेगुलर इंटीजर वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया जाता, स्वैप फंक्शन काम नहीं करता। यह एक्स और वाई को मॉडिफाई कर देता और आई और जे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब लोग रेफरेंस द्वारा इंटीजर्स जैसी चीजों को पास करना शुरू करते हैं तो वे अक्सर एक एक्सप्रेशन को रेफरेंस आर्ग्यूमेंट के रूप में उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मुमकिन है कि प्रोग्रामर फंक्शन को पास करने से पहले जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना चाहता था।
यह अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करता है, क्योंकि एक्सप्रेशन जे प्लस वन को अब एक पॉइंटर वैल्यू समझा जाता है और अब वेरिएबल जे से परे एक मेमोरी लोकेशन की ओर पॉइंट करता है। आज की चर्चा में हमने स्ट्रक्चर्स और उन पे किए जा सकने वाले ऑपरेशंस की चर्चा की। आशा है कि ये लेक्चर्स आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। धन्यवाद।